ये अंबिका के पापा हैं जी, बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने एफआईआर नहीं लिखवाया। आप माँ बाप हैं इसलिए हम चाहते कि आप दोनों एफआईआर लिखवाइए। वो आदित्य उसकी तो मैया की सासू मैया, आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं, मैंने तो मना किया था, लेकिन देखिए उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाए ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस एफआईआर लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत कहाँ है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम, जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई एफआईआर नहीं करवानी। ठीक है ठीक, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है। देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, चलिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पुष्पा जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें एफआईआर नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही है? एफआईआर तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतु जी, आप बताइए तो सही, हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे, आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे चड्डे यार, हमको भी कप कपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतु जी आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी, जी क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही है वो। अच्छा ये संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर, क्या हुआ? वो मैडम सर, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य, वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला, कैसा बोला? तुझे आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का ऐसा कट कर रहे हो। ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं। इतना गंदा बोल दिया संतोष जी, आपको क्या बोला? संतोष जी पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर हम बाहर जाओ अभी ना। चलना जाओ ना संतोष जी, समझ जाओ। अच्छा ओके, रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, ब्रीद। अब बताओ क्या कहा उसने? मैडम सर, वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ और हाँ और आगे और क्या, और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ, तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली। अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ, जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना, हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी। हाँ, आप जो सोच रही हैं, संतु को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ हाँ, संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहाँ जाऊँगी और अपने अपने साथीदारों को बचाऊँगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूंगी और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, वैसे भी ऐसी चीज़ के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है।
और याद रखिए साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो. अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए. मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ. मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी. एक और बार, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, और मैं ये कर सकती हूँ. बेटर. अरे यारी, मैडम सर के जज्बात के चक्कर में ना संतु जी के बच्चा पुत्र का मामा ना बन जाए हम. ए, अपनी बात कर ले. तुमको भी तुम मामा बुलाएंगे ना उन लोग? हाँ. नहीं. पुष्पा जी. जी मैडम सर. करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने FIR करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुराने केसेस की फाइल खोली थी ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना. और उन्हें एक केस की FIR मिली है. कौन सा केस? उत्तम सिंह. उसकी पत्नी ने उस पे केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है. आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था. उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया, तो केस अभी भी पेंडिंग है. क्या मैडम आप? चुप, वरना इस कंटा आप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा चार बाग स्टेशन गिरोगे. अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है. ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, और ये उत्तम हमारा एग्जांपल बनेगा. इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी. फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा. जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरे जैसे औरत से शादी करके. अब क्या दारू पीना भी हो? वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया. अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना FIR के लोगों को कूट देते हैं. इसका तो फिर भी FIR था, भले ही थोड़ा पुराना था. मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है. वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है. ओह दैट्स गुड न्यूज. मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है. कैसे करेगी ये काम? मैडम सर, एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा. क्या है कि संतु जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, तो इनकी जगह पर हम चले जाएं. मैडम सर, तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी, पहली बात तो सही कह रहा है मैडम चीता, संतु जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा.